अगली खबर आ रही है राउत से, जहां खलघाट फोर लेन पर शनिवार रात 10 बजे इंदौर से पुणे जा रही बस ने बाइक सवार दंपति और दो बच्चों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा फोर लेन के गणपति घाट के पास भाटी ढाबे के सामने हुआ। घटना के बाद बस चालक बस को मौके से आगे ले गया। खलघाट टोल के पहले एक ढाबे पर खड़ी करके भाग निकला। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और बस की सवारियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। वहीं अन्य पुलिस वाले दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और वहां से मृतकों को धामनोद अस्पताल भेजा गया है, जिनका पोस्टमार्टम रविवार को सुबह किया जाएगा। जानकारी के अनुसार फिफरीपुरा थाना महेश्वर के रहने वाले देवी सिंह पिता बाबू अपनी पत्नी अनीता और दो बच्चे चीनू और चेतना के साथ अपने ससुराल आशापुर से अपने गृह गाँव फिफरीपुर जा रहे थे। इस दौरान भाटी ढाबे के सामने बस क्रमांक MP09FA1712 के ड्राइवर ने तेज चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। घटना होते ही बस चालक बस को करीब 18 किलोमीटर तेजी से ले गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के पिता बाबू ने बताया कि मेरा बेटा देवी सिंह अपनी बेटी चेतना, जो कि उसके नाना के यहाँ कुछ समय से रह रही थी, उसी को लेने गया था। साथ में उसका बालक भी था, जबकि इनकी एक बेटी और है जो घर पर ही अपने पिता का इंतजार कर रही थी, जिसे पता ही नहीं कि उसके पिता दुनिया में ही नहीं रहे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच में लिया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।